Welcome to my channel. So what we are going to do today? Today we are doing my new work. New worksheets? New worksheets. Okay. This is phonics activity. At. Now you have to make the words. Like what is this? Mat. Very nice. Write it here. Okay. Yeah. Mat. Mat. Very nice. Next. Cat. Very nice. Next. Giraffe. Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. तो आज अगेन मैं आपके साथ कुछ daily practice की worksheets share करने वाली हूँ. तो जो first worksheet है वो phonics activity की है. तो अभी ये phonics में at family के जो words हैं उसके लिए ये activity है. तो as you can see यहाँ पे मैंने circle में at लिख दिया हुआ है और कुछ जो अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं. तो अभी बच्चों को क्या करना है कि इन अल्फाबेट्स को यूज करके जो भी वर्ड्स बनते हैं वो उन्हें यहाँ पे लिखने हैं. तो फर्स्ट वन इज म. सो म एट मैट. सेम वे में बच्चा ये सारे के सारे वर्ड्स करेगा. लाइक दिस इज सी. तो क एट कैट. र एट रैट. नेक्स्ट प एट पैट. S at sat. F at fat. तो सेम वे में आपको ये एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को देनी है. या ओके. नाउ यू कैन से B at bat. वेरी नाइस. R at rat. वेरी नाइस. सो नेक्स्ट वन इज द मैचिंग एक्टिविटी. तो एज यू कैन सी यहाँ पे पेज में मैंने कुछ इमोजीज ड्रॉ किए हुए हैं और अभी बच्चे को क्या करना है इनको मैच करना है. लाइक दिस इज ए स्माइली फेस. तो बच्चे को देखना है कि यहाँ पे स्माइली फेस कहाँ है और उन्हें मैच करना है. बट यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या किया हुआ है कि कलर्स कर दिए हुए हैं इन्हें. बट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं. अभी बच्चे को कलर्स मैच नहीं करना है. बच्चे को ध्यान देना है कि ये कौन सा इमोजी है और बच्चे को इमोजीज को मैच करना है. तो चलिए अभी मेरी डॉटर आपको करके बताएगी इसे करना कैसे है. तो डू इट लव. वेरी नाइस. नेक्स्ट. या दिस इज विंक. वेरी गुड. या दे हैव पिंक कलर्स. नेक्स्ट वन. वेरी नाइस. नेक्स्ट. सैड फेस. वेरी नाइस. गुड जॉब. तो ऐसी भी कुछ फन एक्टिविटीज आप अपने बच्चे को करने के लिए दीजिए. ये भी काफी इंटरेस्टिंग होती हैं और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये ऐसी एक्टिविटीज जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं. सो द नेक्स्ट वन इज मैथ्स की एक्टिविटी. तो अभी जैसे बच्चों को नंबर्स की पहचान है तो अभी अगर आप बच्चों को नंबर नेम करवा रहे हो तो उस केस में ये वाली जो एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी. अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि लेफ्ट साइड पे मैंने नंबर नेम्स लिख दिए हुए हैं और राइट साइड पे नंबर्स दे दिए हुए हैं रैंडम ऑर्डर में. तो बच्चे को अभी नंबर्स को नंबर नेम से मैच करना है. डू इट लव. सो ओके. व्हाट इज दिस. फर्स्ट रीड इट. It's two. Two. Where is the two? Yeah. Now match them. Yes, you have to match them. तो बच्चों को आप जैसे अगर नंबर नेम लर्न करवा रहे हो तो उस केस में ये वाली एक्टिविटी काफी हेल्पफुल होगी. This is four, yeah. So where is four? Two. Very nice. Next. O and E. One. So where is one? Very nice. Like one. Yeah. Next. Seven. Five. Where is five? Yeah. Two. Next. Eight. Eight. Six. Six. Very good. So the next one is what comes between. तो ये अगेन मैथ्स की एक्टिविटी है. तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है. जो भी नंबर इन बिटवीन होगा वो बच्चे को लिखना है. After one comes two. Very good. And now tree. Next one. Again tree. Yeah. Tree. Yeah. So this is two. This is four. What will come between two and four? Tree. Tree.
तो ये वाली एक्टिविटी बच्चे को बिफोर आफ्टर भी आप बता सकते हैं इस एक्टिविटी में. तो बिफोर आफ्टर के लिए भी एक्टिविटी सही है. वेरी नाइस, वेरी गुड, वेल डन. सो नाउ यू कैन डू इट लेटर. ओके, वी विल डू दिस वन. सो ये वाली जो एक्टिविटी है ये सॉर्टिंग की एक्टिविटी है. इसमें आप बच्चे को टॉल वन फाइंड करने के लिए कह सकते हैं या शॉर्ट वन फाइंड करने के लिए कह सकते हैं. दैट मच इज ओके. द नेक्स्ट वन, तो ये वाली एक्टिविटी आप दो तरीके से करने के लिए दे सकते हैं. एक दिन आप बच्चे को इसमें टॉल फाइंड करने के लिए कह सकते हैं और एक दिन आप शॉर्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए कह सकते हैं. तो सॉर्टिंग की एक्टिविटीज भी आप डेली बच्चे की प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए. मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने काफी सारी एक्टिविटीज शेयर की हुई हैं, तो आप डेफिनेटली एक सॉर्टिंग की एक्टिविटी बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए. हाँ जी, हाँ, डू दिस वन. ओके, यू वॉन्ट टू ट्रेस इट. तो अभी ये वाली जो एक्टिविटी है ये फॉलो द पैटर्न टाइप ऑफ एक्टिविटी है. तो एज यू कैन सी यहाँ पे टॉप में मैंने फोर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आप शेप्स कह सकते हैं कि ड्रॉ की हुई हैं. इन्हें मैंने डिफरेंट कलर में ड्रॉ किया है और नीचे भी मैंने सेम कलर्स जो हैं वो यूज किए हुए हैं. जस्ट अ सेकेंड लव. नीचे भी मैंने सेम कलर्स यूज करके सिर्फ दो दो जो लाइंस हैं वो ड्रॉ कर दी हुई हैं. तो बच्चे को अभी देखना है कि लाइक फर्स्ट वन जो पर्पल है, तो अगर पर्पल है तो अभी मेरे पास पर्पल कलर नहीं है तो मैं ब्लू कलर से आपको बता देती हूँ. लव, वेट जस्ट अ मिनट. तो अभी जैसे अगर पर्पल वाला बच्चे को देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ दो लाइन्स ड्रॉ की हैं. तो बच्चे को देखना है कि उसे कितनी स्लीपिंग लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करनी है. तो वन एंड टू, तो यहाँ पे भी पर्पल दो स्टैंडिंग लाइन्स दी होंगी तो बच्चे को वहां पे दो स्लीपिंग लाइन्स जो है वो ड्रॉ करनी है. उसी तरह ग्रीन वाला है, अगर दो ग्रीन जो है ये स्लैंटिंग लाइन्स दी हुई हैं तो इसमें एक मैंने स्लीपिंग लाइन दी है तो बच्चा देखेगा जहां भी ग्रीन ऐसी स्लैंटिंग लाइन्स होंगी तो उसमें एक स्लीपिंग लाइन जो है वो ड्रॉ कर देगा. तो सेम वे में बच्चे को ये वाला पिंक और ये वाला जो है ये भी पैटर्न्स जो है वो फॉलो करने हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ मेनी लाइंस विल यू ड्रॉ हियर? वन. या वेरी गुड, वन. वेरी नाइस. वन. यू कैन यूज ब्लू कलर फॉर पर्पल. या हाउ मेनी लाइंस यू हैव टू ड्रॉ? वन. टू. वेरी नाइस. ये जो एक्टिविटी है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. तो ऐसी एक्टिविटी भी आप डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए. अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप दो सिर्फ पैटर्न्स लेके चल सकते हैं या तीन या चार या आप इससे ज़्यादा भी इंक्लूड करवा सकते हैं. नाउ द पिंक वन, टेक दिस. थैंक यू, वेलकम. Very nice. Yeah, you can draw here. Very nice. तो सेम वे में बच्चे को आपको ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो करने के लिए देनी है. और ये भी आप डेली रोटेट करके दे सकते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज कीजिए और आप ये काफी लंबे टाइम तक एक्टिविटी बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं. सो नेक्स्ट जो है दिस इज द राइट द मिसिंग नंबर. तो ये अगेन मैथ्स की एक्टिविटी है. तो इसमें फर्स्ट जो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे बच्चे को सिंपल यहाँ पे मैंने 1 to 10 तक नंबर है, मिसिंग नंबर लिखे हुए हैं तो वो लिखने हैं. डू इट लव, यू हैव टू राइट द मिसिंग नंबर. वेरी नाइस. स्मॉल नंबर्स? या इट्स ओके, यू कैन राइट देम. Say it, na? Six. What will come next? Seven. Very nice. Eight. Yeah. Nine. Very nice. गुड जॉब. तो ये वाली सिंपल नंबर्स के लिए थी और अभी ये वाली जो है ये मैंने स्किप काउंटिंग ऑफ 10 के लिए दी हुई है. सो दिस इज द स्किप काउंटिंग ऑफ 10. सो व्हाट विल कम हियर, व्हाट इज दिस? 0, 10. सो व्हाट विल कम हियर? वेरी नाइस, राइट. सो व्हाट विल कम नेक्स्ट? 3, 0, 30. तो ये वाली एक्टिविटी आप बच्चे को स्किप काउंटिंग ऑफ 2, 5 या स्किप काउंटिंग ऑफ 3 उसके लिए भी दे सकते हैं. और ये वाली जो एक्टिविटी है ये सिंपल जो है वो ट्रेसिंग की एक्टिविटी है. वेट, यू नो,
तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं, लाइक फ्लावर है, क्लाउड है, फिश, तो कुछ रैंडम चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। और सिंपल इन्हें क्या करना है, ट्रेस करना है, या फिर फर्दर आप बच्चे को अगर ट्रेसिंग कर ले। जस्ट जस्ट अ सेकेंड, या यू कैन डू इट ब्लू, व्हाइट, यू कैन कलर पिंक, इट्स ओके। तो ये नो, जस्ट ट्रेस देम। इस वाली एक्टिविटी में आप बच्चे को पहले ट्रेस करने के लिए बोल सकते हैं, या आप सिर्फ ट्रेस ही करवा सकते हैं, नहीं तो आप बच्चे को, जब बच्चा ट्रेस कर लेगा तो आप उन्हें कलर करने के लिए भी कह सकते हैं। तो ये वाली ट्रेसिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं, ये बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो डेफिनेटली आप ट्रेसिंग की कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें करने में बच्चे इंजॉय बहुत करते हैं, और सेकेंडली उनकी जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस है, उसके लिए ये चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं। ओके, थैंक यू for watching my video. Bye. Now Antonio. I hope आपको ये video कुछ helpful लगा हो। तो अगर आपको ये video पसंद आई हो तो please hit the like button and do subscribe to our channel for more such videos. So thank you so much for watching. Bye. Bye.